आज हम जाने वाले हैं डीमार्ट, लोकेशन है कांजूरमार्ग मुंबई। सो फ्रेंड, अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको कांजूरमार्ग स्टेशन पता ही होगा, उसके जस्ट बगल में ही जो है यहाँ पर आपको डीमार्ट देखने को मिल जाता है। और आज के ब्लॉग में आपको पूरा डीमार्ट के अंदर का पूरा सब कुछ दिखाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती है। लेकिन हाँ, ये ब्लॉग को मैंने काफ़ी सावधानी से बनाया है क्योंकि यहाँ पर वीडियो शूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। कैसे भी करके मैंने यहाँ पर एंट्री तो ले लिया है और मेरा कैमरा ही यहाँ पर चालू ही था। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है बहुत सारे सामान भी परचेस किए, आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और कुछ अलग अलग सेक्शन से यहाँ पर, जैसे कि बिस्किट के लिए पूरा अलग ही आपको एक वे देखने को मिल जाता है, उसके बाद चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी के लिए अलग से वे देखने को मिलता है, या फिर कोई भी आपको एक कैटेगरी की चाहिए चीज़ तो आपको जो है उसके लिए पूरा अलग से एक पर्टिकुलर वे ही देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल अभी जो है मैं यहाँ पर कुछ सामान खरीदने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको हनी दिखा देता हूँ। और हनी जो है काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पर मिल रही है, देख सकते हो यहाँ पर बाय वन गेट वन का भी ऑफर आपको मिल जाता है। अगर आप डीमार्ट में जाते हो तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर से विजिट करना। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो है काफ़ी इस तरीके से पैकिंग आपको देखने को मिलती है। सो फ्रेंड, अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है कैसी चीज़ें मिलती हैं, तो क्वालिटी देखो, क्वालिटी तो अच्छी रहती है लेकिन प्राइस जो है ना, आपके मार्केट प्राइस जो नॉर्मल रिटेल शॉप होती है उससे काफ़ी ज़्यादा कम में मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा कर चीज़ों को परचेस करना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चे कर दोगे। सो फिलहाल यहाँ पर मैं मैगी लेने वाला हूँ, मुझे ये वाला मैगी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है जो कि चिंग्स की तरफ से आता है, मंचूरियन वाला। इसका टेस्ट यार मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, तो मैंने इसको ले लिया। और उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ चला, और उसके बाद यहाँ पर देखते हो काफ़ी सारे जो है चावल वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अलग अलग जो है खुले में जो है आपको सिंगदाने, आप साबूदाना और पोहा, अलग अलग चीज़ें, दाल चावल सभी जो आपको खुले में भी मिल जाती है और पैकेट में भी मिल जाती है। सामान लेने के बाद मैं बढ़ चला मसाले वाले सेक्शन में, और यहाँ पर सकते हो अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में आपको हर तरीके लगभग मसाले देखने को मिल जाते हैं, जितने भी प्रकार के इंडियन मसाले होते हैं ना सब आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जीरा का पैकेट लिया है 100 ग्राम का। तो अब बात करें कि यहाँ पर मैंने जब जितने भी खुले सामान में लिया है ना, जो भी मैंने अलग से पैकेट में अपने रखा है, तो उसको आपको जो है यहाँ पर पैक करवाना पड़ेगा, जिससे जो है इसके ऊपर लेबलिंग होगी कि यार आपने कितना क्वांटिटी में जो है इसको परचेस किया है, आपको कितना क्वांटिटी में परचेस करना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ये जो है दीदी है ना, बहुत जल्दी काम करती है, देख सकते हो इन्होंने लगभग मेरे 10 से 12 पैकेट को जो है लगभग 2 मिनट के अंदर सब पैक कर दिया। एंड इसके ऊपर लेबल भी लगा दिया, और लेबल किस तरीके से दिखाई देता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको लेबल देखने को मिलता है, इस पर कितना अमाउंट हुआ है और कितना इसका वेट है वो सब मेंशन रहता है। एंड उसके बाद मैं निकल चला इंडिया की शान देखने, जो कि है मसाले। तो यार मसाले जो है इंडिया की काफ़ी ज़्यादा पहचान है, और यहाँ पर हमको मिल गए सलमान भाई। तो यहाँ पर सलमान भाई भी हर जगह लगभग हर मसाले के पैकेट पर छपे हुए थे। मैंने यहाँ पर गोल्डी का जो है गर्म मसाला परचेस किया, और उसके बाद मैं यहाँ से निकल चला आगे। और फिर यहाँ पर जो है मैं तेल वाले सेक्शन में आया, लेकिन मुझे तेल लेना नहीं था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है पापड़ ले लिया, और यहाँ पर मैंने चूज़ किया है लिज्जत पापड़। अगर आपको लिज्जत पापड़ की स्टोरी पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप मुंबई से हो तो आपको डेफिनेटली इस लिज्जत पापड़ की जो स्टोरी के बारे में पता होगा ही। एंड उसके बाद मैं एक बार चल गया यहाँ पर जो है सोप सेक्शन में, सोप और शैम्पू अलग अलग सेक्शन जो है आपको अलग से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है कोलगेट भी अलग से पूरा एक सेक्शन ही देखने को मिलता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, और यहाँ पर आपको ये जूते चप्पल और बाकी जो है कपड़े और बिस्तर, और आप बोलते हैं ना सूटकेस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ डेकोरेशन के सामान भी देखने को मिल जाते हैं, और बच्चों के लिए टॉयज भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कांजूरमार्ग में आते हो तो यहाँ पर टोटल आपको 2 फ्लोर में देखने को मिलता है, एक ग्राउंड फ्लोर में एक फर्स्ट फ्लोर में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिमांड है यार, यहाँ पर लगभग आपको हर एक चीज़ें मिल जाएगी जो भी आप खरीदना चाहते हो, और यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ ना, ये मैंने बहुत ही मतलब सावधानी से वीडियो को बनाया है, क्योंकि एक बार मुझे पकड़ भी लिया था यहीं पर, और मैंने बोला कि यार मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, इसकी वजह से मैं बच गया ना। तो यार वो क्या करते हैं कि मोबाइल ले लेते हैं, उसके बाद जितनी भी आपने वीडियो रिकॉर्ड की होगी ना वो डिलीट कर देते हैं। तो फिलहाल मेरे सब कुछ सामान लेने के बाद में, और काफ़ी सावधानी से वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद, मैं पहुंच चुका हूं काउंटर पे जहां पर मैं बिलिंग करने वाला हूं। और यहां पर जो है मैं बिलिंग के लिए सब सामान दे दिया हूं, और पूरा मैं मेरा यहां पर बिल जनरेट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर शॉपिंग कर लिया है। एंड उसके बाद तो जो है आप यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से ही एग्जिट कर सकते हो, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली उस डोर से पीछे गया, और उसके बाद यहाँ से लिफ्ट मिलती है, और लिफ्ट से जो आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पर छोड़ देती है।
और बाय द वे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि यार मुझे डीमार्ट कैसा लगता है, तो यार देखो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें हैं ना बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाती है और कुछ चीज़ें आपको महंगी भी मिलती हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सी चीज़ें आपको महंगी मिलती है, कौन सी चीज़ें आपको डीमार्ट से बाय नहीं करनी चाहिए, तो नीचे कमेंट करना। मैं आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के दिखा दूंगा। और यहाँ पर सकते मैं डीमार्ट से बाहर आ चुका हूँ और फिलहाल जो है मैं भी यहाँ से अपने घर चला जाऊँगा। सो आई होप कि यार आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार देखो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा गुपचुप में जो है काम करना पड़ा है। सो बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।